आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरबा NTPC में गस खा कर गिरे ठेका मजदूर की मौत। जी हां, यह घटना गुरुवार की सुबह 10:30 हुई। NTPC संयंत्र में रामदीन यादव ठेकेदार के अधीन भवानी मंदिर जोगिया डेरा निवासी मुखी राम चौहान कार्यरत है। बताया जा रहा है कि मुखी राम प्रथम पाली में ड्यूटी में गया हुआ था। किसी कार्यवश वह मेन स्टोर पहुंचा था और काम कर रहा था, तभी गस खा कर नीचे गिर गया। आनन फानन में सहकर्मियों ने उसे उपचार के लिए NTPC चिकित्सालय लाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी दर्री पुलिस तथा दिवंगत कर्मी के परिजनों को दी गई। चिकित्सालय पहुंचे परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से उनके सीने में दर्द था, पर वह इलाज कराने में कोताही बरत रहे थे। संभवतः ज्यादा दर्द होने की वजह से मुखीराम की मृत्यु हो गई। सुबह ड्यूटी निकला है और जैसे ड्यूटी निकला सुबह मैं भी गांव निकला था, गांव में गए हैं तो अभी 12:00 हम लोग खबर मिला है कि उसका तबीयत बहुत सीरियस है, NTPC हॉस्पिटल में है। लड़का फोन करके बताया तो मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर तुरंत गांव से भी जस्ट हम लोग आए गाँव से। तो क्या बताया गया आपको? अभी तबीयत बहुत एडमिट हुआ है, बस इतना ही बताया गया। अभी क्या बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं बताए, खत्म हो गया बोल रहे हैं। हाँ, इसी से नहीं पड़ता है। अपने अलग काम से गया था, हम लोग अलग काम से कर रहे थे पास में, उसके बाद बैठा, उसके बाद अचानक गिरे, उसके बाद हमको देख रहे, फिर साहब को फोन किए, उसके बाद एम्बुलेंस आया, फिर उसके बाद आ गए। तो कैसे, मतलब कुछ हुआ था क्या? और वहाँ पर उसको तो जानकारी नहीं है सर, क्या सर क्या है, वो अपना सामान सुधराने के लिए गया था और हम अपना काम से गया था वहीं पर, और वहीं पर बैठा था, वहीं बैठे 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 एम्बुलेंस फोन किए, एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं। कैसा लग रहा था उसको? पहले से अस्वस्थ था, क्या था? नहीं, तो पहले तो ठीक था, अभी तो काम का। कैसे हुआ अचानक, कुछ जानकारी है? नहीं सर, बैठा था, बैठने के बाद बुढ़ा गया। आप लोग एक ही साथ थे वहाँ पे? नहीं, मतलब एक साथ थे लेकिन वो अपना अलग काम से गया था। कर्मी की मृत्यु की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया है। क्या घटना घटी है? ये सूचना प्राप्त हुई कि NTPC प्लांट में जो स्टोर सप्लाई का काम जहाँ था, जिसको प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है, वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसका नाम मुखी राम। सूचना पर आकर NTPC हॉस्पिटल उसको लाया गया, चेक करने पर उन्हें घोषित किया गया। सूचना पर पुलिस यहाँ NTPC अस्पताल आई और पूछताछ किए, उसकी पत्नी परिवार के लोग भी आ गए। पत्नी से पूछताछ कर बताई कि करीब 3 माह से उसके सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देता था, इलाज वगैरह नहीं कराया और उसको शरीर को चेक किया गया तो किसी प्रकार अभी बाहरी चोट वगैरह के निशान नहीं पाए गए। RNN न्यूज़ के लिए मनोज दिनकर की रिपोर्ट।